सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:25 और हम आ गए हैं देवका बीच पे। और देवका बीच बेसिकली दमन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ दमन की बीच रोड, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो खूबसूरत सी रोड है दमन की, जो सब बीचेस को और पूरे दमन को कनेक्ट करती है, उस रोड की स्टार्टिंग बेसिकली यहीं से हो रही है। और यहाँ से ये रोड स्टार्ट होने के बाद जाती है जम्पोरे बीच तक। अभी फिलहाल जम्पोरे बीच में इसका काम चल रहा है, उसके आगे कहाँ तक जाएगी उसका मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी दमन आए तो वो भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल मेरे पीछे आपको ये जो दिख रहा है ये है देवका बीच, और व्यू है, अच्छा खासा व्यू है। काम थोड़ा बहुत चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो भाई दमन के अंदर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त स्पीड में चल रहा है। कहीं भी गए दमन में तो काम हो ही रहा है। यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, काम कराने में बिल्कुल पीछे नहीं है भाई। तो फिलहाल आज मेरे लिए मेरे एयरपॉड सबके साथ, तो थोड़ी देर बैठेंगे देवका बीच पे, दो चार गाने सुनेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे कहीं और जाने के लिए। शायद फोर्ट जाएंगे, शायद जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, यहाँ देखते हैं मूड क्या रहेगा। तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियोस पे, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए दमन में आज क्या होने वाला है हमारे तीसरे दिन के ट्रिप में। तो भाई दमन की और एक खास बात है, यहाँ पे आपको पूरे दिन पूरे दमन में हर जगह पे लोग दिख जाएंगे जो अपने हाथ में इस टाइप का झोला लेके रखते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना, उन लोग का जितना भी कचरा इधर वो लोग करके जाते हैं, फैला के जाते हैं, उस सब को उठा लेते हैं और उठा के प्रॉपर एक जगह पे डाल देते हैं। भाई दमन की साफ़ सफाई एक नंबर है, बहुत सही साफ़ सफाई है यहाँ पे। यहाँ की गवर्नमेंट ने साफ़ सफाई पे तो प्रॉपर ध्यान दिया है। लेकिन भाई हमारे जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं ना, उन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई दमन बहुत सुंदर है, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन है। ये देख सकते हो ये भाई है, ये इधर बीच पे अगर कोई एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी रहेगा तो उसको उठा के ये लोग अपने थैले में डाल देंगे और लेके जाएंगे। वो देखो उधर भी भाई साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप दमन में आते हो घूमने के लिए, एक दिन, दो दिन, दस दिन, कितने भी दिन रुको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद गंदगी मत करो। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, शराब पीने के बाद बॉटल्स को इधर उधर फेंक देते हैं, तो भाई वो सही नहीं है। हम लोग कहीं पे आए ना तो हम लोग को वहाँ की साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखना चाहिए। आप शराब पियो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, दैट डजंट मैटर। लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद कचरा इधर उधर मत फेंको, शराब पियो उसकी खाली बॉटलें को रोड पे मत फेंको, प्रॉपर कचरा डालने की जो जगह है डस्टबिन वगैरह वहाँ पे डालो। और दमन बहुत साफ है, बहुत सफाई है यहाँ पर, उसको मेंटेन करके रखो। तो भाई दमन के देवका बीच पे बैठ के हमारे को ऑलमोस्ट 10-15 मिनट हो गए। हमने अपना एप्पल भी खा लिया है जो हम होटल से लेके आए थे, सुबह सुबह का नाश्ता हो गया। आज चाय वाय तो कुछ हुआ नहीं, सुबह सुबह मैं गया नहीं कहीं पर। आपको दमन में आके फोटोग्राफी वगैरह करना है, फ़ोटोशूट वगैरह करना है ना, आप देवका बीच पे आ जाओ, बहुत सही लोकेशन है ये देखो। और कहीं कहीं चल भी रही है, वहाँ बहुत दूर एक लड़का और एक लड़की, उनका फ़ोटोग्राफी सेशन चालू है। और इधर भी कहीं तो मेरे को लोग दिख रहे हैं जो कि अपना फ़ोटोग्राफी सेशन कर रहे हैं। लेकिन भाई बहुत सही जगह है फ़ोटोग्राफी करने के लिए, एक नंबर जगह है। तो अभी अपन यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे फोर्ट की तरफ। तो चलिए मिलते हैं फोर्ट पे। भाई ये है देवका बीच का वो स्पॉट जहाँ पे पानी जो है बीच के एकदम नज़दीक तक आता है। यहाँ पे आप जाके पानी में पैर वैर डाल सकते हो, लेकिन दमन में कहीं भी किसी भी बीच पे नहाना अलाउड है नहीं। तो नहाना वाना छोड़ो भाई, पैरों को पानी में डालो, उतने ही में मज़ा लो, फील लो। भाई ये जो वेव्स आ रही है ना, इनका साउंड बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आ रहा है, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार म्यूज़िक। अभी हम आ गए हैं नानी दमन बीच पे, और यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। तो भाई ये फ़िशिंग जो नेट होता है, मछली पकड़ने का जो जाला होता है, उसकी सिलाई कर रहे हैं।
और उधर वो लगा रहे हैं सीसा, उससे क्या हो जाएगा कि जाले में वजन हो जाएगा, पानी में वो डूब जाएगा एक साइड से, और ये साइड जो है ना ये कोई हल्की सी चीज़ है भाई, जैसा अपना थर्माकोल जैसा होता है ना वैसा कुछ है ये, तो इससे क्या है ये पानी के ऊपर रहती है तो इनको मालूम रहता है कि जाला कहाँ डाला है। तो इस तरह से जब ये पानी में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, तो अपने जाले को उसमें गोला करके फेंकते हैं, सीसे वाला जो वजन वाला एरिया है वो चला जाता है नीचे पानी के अंदर, और ये जो चीज़ है ये रह जाती है पानी के ऊपर। तो जब ये शाम को अपना जाला वाला निकाल लें एक दो घंटे के बाद, या शाम में जब भी जाते हैं तो उसको देख के ये अपना जाला वहाँ से उठा लेते हैं। भाई काम बड़ी बारीकियों से होता है, इसका भी काम करना ये भी कोई आसान नहीं है, एक एक सीसा लगा के जाले की सिलाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत वाला और मुश्किल वाला काम है ये। भाई फिलहाल अपन निकल रहे हैं नानी दमन बीच से, अभी अपन जाएंगे मोटी दमन फोर्ट। तो भाई वहाँ पे अपने को दो तीन भाई लोग मिले थे, वो लोग फिशिंग नेट बना रहे थे अपना, उन लोगों से मैंने बात की है, अगर पॉसिबल होगा तो हम किसी बोट पे बैठ के फिशिंग का एक्सपीरियंस भी लेने के लिए जाएंगे उनके साथ। उन लोगों के पास बोट छोटी थी तो वो लोग अभी जा भी नहीं रहे, उनका जाला वाला तैयार होने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने मेरे को एक जगह बताई है, अगर आज मेरे पास टाइम होगा और वहाँ पे फिशिंग के लिए जाने वाले लोग रहेंगे, बोट रहेगी, तो भाई अपन जाएंगे आज समुंदर के अंदर नाव में बैठ के फिशिंग करने के लिए। और फिलहाल के लिए चलते हैं अपन मोटी दमन फोर्ट, तो बने रहिए वीडियो पे, आपसे मुलाकात होगी मोटी दमन फोर्ट पर। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।